इसको अंदर छोड़ गया ना आपने। वाह अकबर, अच्छा भला सही था, अभी देख कर आए हैं। और वो डर गया ना, रास्ते में डर गया होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दरवाजा खोलो चाचा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत आपकी सही होगी, रोज़े आपके अच्छे गुजर रहे होंगे। यार गला ख़राब हो गया, तो आ जाए हुए हैं हम अपने दूसरे फार्म पे। यहाँ पर भी एक बछड़ा आना है, लेकिन बछड़ा अभी रास्ते में है तो वो आ जाएगा। तो उससे पहले मैंने कहा आप लोगों को छोटी छोटी सी अपडेट इस फार्म की भी दे दूँ कि इस फार्म पर क्या सिचुएशन चल रही है। मौसम स्टिल अभी ऐसे ही है, आप लोगों को मैंने पहले भी जैसे कहा कि वही दिन है भाई, जो उधर मैंने बछड़ा उतारा था स्टिल वही दिन है। तो दूसरा बछड़ा भी इधर आ रहा है तो वो भी उतार लेता हूँ, तो बना रहा हूँ वीडियो अलग से। अब ये लगती कब है ये मुझे नहीं पता, लेकिन दिन वही है, नोवा रोज़ा है। और इसको गुस्सा चढ़ा हुआ पता नहीं किस बात का, मेरी समझ से बाहर है क्या हुआ वहाँ। इसके करीब जाना हमारे लिए थोड़ा ख़तरनाक होगा, तो इसलिए घूम के चलते हैं। क्या हो गया भाई? इसको गुस्सा आया हुआ पता नहीं किस बात का। बस भाई सीधा हो जा, हो गया सही। तो इधर भी वही फ़िलहाल सिचुएशन है, मौसम जैसे कि मैं पहले भी दिखा चुका हूँ कि मौसम थोड़ा सा सेट नहीं है, तो इस वजह से बछड़े इधर भी वैसे ही चल रहे हैं, थोड़े से नहलाने वाले हैं, नहलाएंगे। मौसम रात को टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी हो जाती है, ठंडा हो जाता है, तो नहलाना थोड़ा सा रिस्की हुआ है। और ये हमारा कट्टा आ गया माशाल्लाह, और ये हमारे पास 2025 के लिए है, इसकी भी तैयारी है। इधर कौन कौन सा माल है 2025 के लिए वो मैं आप लोगों को दिखाता चलता हूँ, और अभी बछड़ा आ जाएगा वो भी आप लोगों को दिखा देंगे। लेकिन वो बछड़ा जो है वो अभी फ़िलहाल आ रहा है इसी साल के लिए, वो इसी साल चला जाएगा, लेकिन साथ साथ मैं का फार्म की अपडेट भी आप लोगों को दे देता हूँ। ये है जी हमारे पास 2025 के लिए, वो बैठा हुआ है 2025 के लिए नुकरा, वो खड़ा हुआ है 2025 के लिए, ये बच्चे हैं सारे, ठीक है। और ये इसी साल के हैं, ये हमारे पास इसी साल का है, ये जो बच्चा बैठा हुआ है, ये जो बच्चा बैठा है ये 2025 के लिए हैं, ये इसी साल का बच्चा है माशाल्लाह से। और ये चेक करो इसका प्रिंट, मुझे यार मुझे अपने सब बछड़ों में इस फार्म में सबसे अच्छा जो मतलब एक दिल खुश होता ना देख के, वो इसको होता है कि इसका प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह पाक इसको नज़रे बसे बचाए। और ये बच्चा जी हमारे पास है 2025 के लिए, ये वाला बच्चा जो बैठा हुआ है, मारे कोई ना भाई, ये लाइन से बैठे हुए हैं, सारे बैठे हुए हैं, तो अब इनको उठा मैं नहीं रहा। 1 2 3 4 5 और टीनी मिंटी हमारे पास हैं, ये पता नहीं बेचने हैं क्या करना है इनके, अभी मुझे कोई सजेशन अभी दिमाग में नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह होपफुली ये बेचने ही होंगे, तो वो जब लगाऊंगा बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन ये अभी 4-4 5-5 महीने के बच्चे हैं, एक ये दो बच्चे हैं और एक हमारे पास बछड़ी है। बकरे हमारे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ज़रा नज़र मार लेते हैं आज इन पे भी। ये बाहर क्यों बांधे हुए भाई? ठीक है, तंग करते होंगे तो बाहर आए हुए सारे। ये बकरे हमारे जू 0.5 टैक्स कर लेते हैं। चलो चाचा से पूछता हूँ कि ये बाहर क्यों बांधा हुआ है, लेकिन हम जो है ना बछड़ों में आगे खो जाते हैं बकरों में। ये बछड़ा चेक करें माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बस से बचाए, ये इसी साल का है। और एक बछड़ा इधर से उधर चला गया वो मैं आप लोगों को दिखा ही चुका हूँ, ये बछड़ा आप लोगों के सामने। इधर से जाने वाले माल ज़्यादा नहीं है इधर से अभी फ़िलहाल, ये 4, 1, ये 2, ये 3, ये 4, एक बछड़ी बिकने के लिए है, बिक गई तो अल्लाह पाक वो भी चली जाएगी। एक जो बछड़ा आ रहा है वो होगा जाने वाला, बाकी एक बछड़ी ये वाली लाल वाली, ये भी 25 के लिए है, ये वाली बछड़ी गोला शोला ये वो बेहतरीन हो गई है ये वाली बछड़ी माशाल्लाह। और जो हमारे पास अबलग बछड़ी आई थी ये वाली, ये भी 2025 के लिए है। इधर 25 वाला माल बच्चे हैं, बड़े जो माल आ रहा है वो मेरी कोशिश होती है कि मैं उधर ही रखूं बड़ा माल, और छोटा माल जो है वो इधर आ जाता है। बाकी अल्लाह खैर करे, उस फार्म का हमें काम करवाना है ईद के बाद, तो देखो कब शुरू कराते हैं, क्या मामलात बनते हैं। बाकी इनमें से भाई कोई भी फोर सेल नहीं है, जितने मैं आप लोगों को जानवर दिखा चुका हूँ कोई भी फोर सेल नहीं है। जो अब आपको दिखाने वाला हूँ ये बछड़ी, यही जस्ट फोर सेल है। अच्छा ये लंपी रिकवर्ड है, ये इसके निशानों की सूरत हाल है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये जस्ट बाल आना रह गए हैं, बहुत हद तक तो ये क्लियर हो चुकी है,
कुछ ना कुछ आने रह गए हैं। चार दांत की ये बछड़ी है भाई, और ये वाली फोर सेरा किसी को लेनी हो तो आप मुझसे इसके हवाले से तो बात कर सकते हैं, बाकी और कोई बछड़ी कोई जानवर फोर सेल नहीं है। इधर से भी दिखा देता हूँ निशान आप लोगों को भाई, ये सिचुएशन है। बाकी अभी फ़िलहाल तो वो बछड़ा आया नहीं, बछड़ा आ जाता है तो फिर बाकी वीडियो इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। फाइनली जी बछड़ा आ गया है, बछड़ा उतारते हैं अभी, लेकिन यार पहले आप लोगों को ज़रा मौसम एंजॉय करवा दूँ। मौसम चेक करो यार, मैं कह रहा हूँ तबीयत खुश हो जाएगी देख के। आह क्या व्यू है, आ जाओ भाई उतारो उतारो। हल्की सी धूप भी निकली हुई है ये इधर से, और लेकिन इधर मौसम भी बहुत खूबसूरत हुआ, कहीं ना कहीं बारिश हो रही है और बड़ी हैवी हो रही है। मुझे लग रहा है अभी तो वही सही था यार, अभी तो ये देख के आए हैं भाई, ये गाड़ी में लोड हुआ। अच्छा ये खोलो खोलो, इसको खोलो नीचे से भी खोलो। चलो शुक्र अल्लाह, ये तो खोल ले दोस्ता जी, खोल ले। शुक्र है भाई जो बंदा, इसको अंदर छोड़ गया ना आपने। वाह अकबर, अच्छा भला सही था, अभी देख कर आए हैं। और वो डर गया ना रास्ते में, डर गया होगा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं बेटा, भागने वाला काम ना करें। दरवाजा खोलो चाचा, चलो अब बेशक टेंशन नहीं है। चलो बांधो 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 उसको बांधो बेटा, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, चल अंदर बांध दे बांध दे बांध दे। बछड़ा भजन रास्ते में गया है डर, और बछड़े ने थरतल्ली मचाई हुई है। फिलहाल हम इसे बांध देते हैं यहाँ पे, अभी शाम तक सेट हो जाएगा। मरे ना नहीं चाचा, हूने तो ऐसा देख के आए हैं। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह, चलो तू हट जा। ये है जी बछड़ा माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, और ये इसी साल जाएगा भाई, इसी साल का बच्चा है। डर गया रास्ते में, हालांकि सुकून में था जहाँ मैं देख के आया हूँ अभी, पहले ये देखने गया था, फिर बछड़ा उतरवाया वो वाला, फिर ये इसको मैंने कहा था कल भेजी, लेकिन इसने आज ही भेज दिया, तो चलो ठीक है हमारे होते हुए ये काम भी हो गया। और अल्लाह पाक खैर करे, ये खीरा अभी इसने एक दांत अभी गिराया है, निकाला भी नहीं है, लेकिन ये हो जाएगा दो दांत इंशाल्लाह, तो इसको भी तैयारी करते हैं। अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक इसे सेहत दे। इसका भी आप लोग मुझे नाम सजेस्ट कीजिएगा कि इसका मैं क्या नाम रखूं, और चीज़ माशाल्लाह अबलक में बेहतरीन चीज़ है। रेट्स वगैरह ऑब्वियसली मैं नहीं बता सकता, क्योंकि सम सिक्योरिटीज़ होती हैं, अपनी तरफ से जितना मैं कर सकता हूं, जो मुझे लोग कहते हैं जिनके लिए मैंने ख़रीदा उनके लिए उनके कहने पे, वरना मुझे रेट बताएं तो मैं ये भी बता दूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। तो ये है जी बछड़ा, बाकी फार्म की अपडेट आप लोगों को मैं दे चुका हूँ, इसके नस्ल के बारे में आपने बताना है और नाम इसका क्या रखूं वो आप लोगों ने मुझे बताना है। तो फिलहाल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।